हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों बच्चों जो कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी क्लास नाइन्थ के लिए, आज हम लोग जो करेंगे उसका नंबर सिस्टम हमने चैप्टर ऑलरेडी लिया हुआ था, एक वीडियो हमने डाल दिया है, छोटा सा था, बस इंट्रोडक्शन के टाइप के था, जिसमें हमने एक ही क्वेश्चन देखा था, फाइंड द फोर रेशियो नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/6। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हमने देखा था। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट टू लाए हैं नंबर सिस्टम पर बेस। और जो क्वेश्चन लिया बच्चों हमने ये लिया है, जो टॉपिक है यानी कॉन्सेप्ट किस पर बेस रहेगा, वो बेस रहेगा कंपैरिजन ऑफ इरेशनल नंबर्स। आपको दो या तीन इरेशनल नंबर दी जाएंगी, उनको कंपेयर करने का मतलब होता है उनमें बड़ा या छोटा पता करना। तो जो हमने अभी क्वेश्चन लिया वो इस तरह से ले रखा है, इनमें आपको बताना होगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो बच्चों पहले इरेशनल नंबर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसी नंबर सोचो, जैसे लिखा है बच्चों रूट के अंदर में 9, तो आप 9 को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करो। अगर 9 रूट से बाहर निकल आता है तो बच्चों फिर वो रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल हो जाएगी। तो कोशिश करते हैं एक बार, 9 के फैक्टर करो, 3 × 3 रूट के अंदर हो गया बच्चों, पेयर बनता है, तो आप इससे बाहर निकाले तो 3। यानी अगर किसी नंबर का आप रूट गायब कर सको, रूट स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, अगर आप उसे गायब कर सको और बिना रूट की फिर नंबर आपको फाइनली मिल जाए टोटल, तो आप कह दो कि वो नंबर फिर रेशनल ही है, इरेशनल नंबर ये नहीं है। तो रूट 9 आपका इरेशनल नहीं, रेशनल हुआ। लेकिन अगर बच्चों यहीं पर लिखा होता रूट 8 में, आप रूट 8 के यानी 8 के फैक्टर करते, 2 × 2 × 2 करते, और आप पेयर जब बनाते तो केवल एक पेयर बनता बच्चों, तो केवल 2 ही बाहर आता रूट से, और इसका पेयर ना बनने के कारण ये रूट के अंदर बना रहता। तो अभी भी आपने रूट हटाने की कोशिश करी, रूट 8 को सॉल्व करने की कोशिश करी, पूरी तरह से रूट तो नहीं हटा, यहाँ पर रूट बना हुआ है। इसका मतलब जो रूट 2 है या रूट 8 है, पूरी तरह से रूट नहीं गायब होने की वजह से कैसी नंबर बच्चों, ये इरेशनल नंबर है, और ये बच्चों कैसी है, 3 रेशनल नंबर है। तो आपको कंपेयर कुछ इस तरह के नंबर में करना होगा जो कि इरेशनल नंबर है। बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि रेशनल या इरेशनल नंबर आपको कैसे दिखाई दे रही होंगी। तो जो बच्चों नंबर रूट में हो या रूट के साथ प्लस में लिखी जा रही हो, माइनस में लिखी जा रही हो, वो सारी नंबर आपके इरेशनल हैं अगर आप उनका रूट का साइन नहीं हटा पा रहे हो। तो बच्चों क्वेश्चन आज का शुरू होता है, क्वेश्चन ये है, फिफ्थ रूट है बच्चों यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और फिफ्थ रूट के अंदर 75 लिखा है। एक और चीज़ ध्यान रखो, मैंने फिफ्थ रूट लिखा है इस तरह से लिखा है बच्चों, आप इसे ये कभी ना समझें 5√20, ध्यान रखना आप इसे ऐसा ना समझें। अगर आप इसे ऐसा समझ रहे हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट का साइन है और 5 का मल्टीप्लाई किया गया, ऐसा नहीं बच्चों। ये जैसे क्यूब रूट होता है उसी तरह से बच्चों ये फिफ्थ रूट भी है। तो ठीक है, आप ये चीज़ जान चुके हो, तो इनका हमें कंपैरिजन करना है, इनमें से कौन बड़ा या छोटा है। कंपेयर करने मतलब वही होता है, कौन बड़ा कौन छोटा। तो जब यहाँ कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो डिग्री है बच्चों, रूट की डिग्री यहाँ कितनी है, 5 डिग्री का है ये बच्चों, ये कितनी डिग्री का है, ये भी 5 डिग्री का है। जब उनकी डिग्री इक्वल हो जाए तब हम उनके रूट के अंदर के नंबर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों की डिग्री सेम है। तो पहला तो पॉइंट यही बच्चों होता है कि डिग्री कैसी है बच्चों, इनकी सेम है, कितनी है वो 5 है, ध्यान रखना डिग्री सेम है, कितनी है 5 है। अब डिग्री के सेम होने के बाद अंदर की वैल्यू को देखो कितनी है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 75 है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 75 बड़ा होता है 20 से, है ना। तो अगर 75 बड़ा है 20 से तो फिर ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 75 इज ग्रेटर देन फिफ्थ रूट ऑफ 20। तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। लेकिन क्वेश्चन बच्चों इतना आसान नहीं आपसे पूछेगा, आपको जो दो नंबर दी जाएंगी उन्हें कंपेयर करने का कुछ अलग ढंग होगा, तो वो जो कॉन्सेप्ट आएगा उसे देखते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप नोट जरूर करें और कॉपी पेन पेपर लेकर ही बैठें ताकि चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरह से लेते हैं, पहला क्वेश्चन आप मान के चलो, मैंने बच्चों लिया क्यूब रूट ऑफ 5, यहाँ पे लिख लिया फोर्थ रूट ऑफ 6। आपको देखना है कि इन दोनों नंबर्स में कौन बड़ा कौन छोटा है, आपको बताना है इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, ये कंपेयर करने का मतलब होता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, सबसे पहला काम इनकी डिग्री पता करो बच्चों। तो ये बच्चों 3 डिग्री का है और ये कितनी डिग्री का, 4 डिग्री का। तो हम तब तक कंपेयर नहीं करेंगे जब तक दोनों की डिग्री सेम ना हो जाए। तो बच्चों एक 3 डिग्री का है, दूसरा 4 डिग्री का अगर है, तो इनकी डिग्री को सेम बनाओ। सेम कैसे बनता है कोई नंबर, अगर दो नंबर को सेम बनाना है तो बाई टेकिंग एलसीएम ही हमेशा सेम बनता है। तो आप क्या करो, इनका एलसीएम लो। किसका एलसीएम लेना बच्चों, उनकी डिग्री का एलसीएम। तो एलसीएम आप 3 और 4 आप लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ध्यान रखना एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का 12 आएगा। एलसीएम निकालना आपने सीख रखा है। तो जब आप एलसीएम निकाल दोगे 3 4 का 12 आ गया। अब हमें इसकी डिग्री भी 12 बनानी है, इसकी डिग्री भी 12 बनानी है। तो बच्चों ये 3 रूट लिखा है या क्यूब रूट लिखा है, फिफ्थ लिखा है, तो ये बताइए 3 में कितनी मल्टीप्लाई करें 12 हो जाए। तो आप बोलोगे 4 का मल्टीप्लाई करो। तो जब आप यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करोगे, वही 4 क्या करना, उसमें जो अंदर नंबर लिखी उसकी पावर बना देना।
वही क्या करना होगा बच्चों, इसकी पावर बना देना। यहाँ भी बच्चों क्या लिखा है, फोर्थ रूट लिखा है, फोर्थ रूट लिखा है, कितना लिखा है, सिक्स लिखा है, फोर लिखा है, फोर को भी ट्वेल्व बनाना है, तो फोर में कितनी मल्टीप्लाई करोगे, थ्री का करोगे, तो यहाँ भी हमने थ्री का मल्टीप्लाई किया बच्चों। अब थ्री का क्या करना है आपको, उसकी पावर बना देना, थ्री क्या करना आप उसकी पावर भी लगा देना। अब इसकी बस पावर को सॉल्व करो, फाइव की पावर फोर कितना होता है, तो आप जानते हो 625 होता है, कैसे आएगा, आप पाँच को चार बार मल्टीप्लाई करना, और ये कितना हो गया, फोर थ्री या ट्वेल्व, तब ये ट्वेल्व डिग्री का रेडिकल साइन हो गया, ठीक है ना। फोर थ्री जा यहाँ भी ट्वेल्व बना, यहाँ पे कितना हो गया, सिक्स का क्यूब कितना होता है बच्चों, 216, 216 होता है, 216 होता है, ठीक है। अब आपके देखो दोनों में डिग्रियाँ सेम हो गई ना, ट्वेल्थ रूट ये भी है, ट्वेल्थ रूट ये भी है। अब देखो जब डिग्री सेम हो जाए तो फिर अंदर के नंबर को कंपेयर करना, कौन बड़ा दिख रहा है, 625 बड़ा है कि 216 बड़ा है, तो आप जानते हो 625 इज ग्रेटर देन 216, इसका मतलब ये वाला नंबर आपका बड़ा हो गया, ठीक है, ये नंबर बड़ा है। लेकिन हमें किस में बताना था, कंपेयर करके यहाँ पे बताना था, तो आपको आंसर देना होगा पुराने यानी इनिशियल वैल्यूज जो क्वेश्चन की रही उनमें से, तो आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के भी दे सकता है, कहेगा इनमें से ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल, इनमें से तीन में से कौन साइन आएगा वो भरने को आ सकता है, या कंपेयर करके पूछ सकता है विच अमंग्स आर लार्जर, या दो हैं तो बिटवीन इनमें से कौन सा बड़ा या छोटा, ऐसे। तो यहाँ पे बच्चों कौन बड़ा निकला, पहला वाला, ये 625 आया है, 625 इससे आया है, या यू कहो कि इससे आया है, तो बच्चों ये पहला वाला नंबर आपका बड़ा है, तो ग्रेटर देन का सिंपल ऐसे आप लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने देखा, एक क्वेश्चन और हम लोग इसका देखते हैं। आप बिल्कुल पेन पेपर लेकर बैठें, उनमें फिर कंपेयर करना सीखें। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है, बच्चों के क्लास के लिए अगर बात करें तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी इस तरह के क्वेश्चन से लगभग हटी हुई है, वो बहुत ही नाकेरा इंक्लूड करती हैं, कुछ विशेष तरह की जो बुक्स आ रही हैं एनसीईआरटी के नाम पे वो आती हैं, लेकिन वो एडिशनल हैं, अलग हैं। प्योर एनसीईआरटी अगर देखोगे जो नेट पे पड़ी हुई, उनमें इस तरह से नंबर का कंपैरिजन नहीं है, तो हम वही चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि कभी कभार पेपर में ऐसी चीज़ें भी आपके डाल दी जाती हैं और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो देखते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है, क्वेश्चन कहता है राइट द नंबर्स, आपको कुछ नंबर्स दी गई हैं इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, कुछ भी हो सकता है, मैं असेंडिंग ले ले रहा हूँ, इन असेंडिंग ऑर्डर कुछ नंबर्स आपको दी जा रही हैं, और वो नंबर इस तरह से हैं, लिखा गया बच्चों रूट थ्री, क्यूब रूट फाइव, एंड यहाँ पे फोर्थ रूट कर लेते हैं फाइव, और यहाँ पे लिख लो कुछ भी लिख लो, चलो मैंने फोर लिखा है, इसको क्यूब रूट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्यूब रूट के अंदर, ये तीन नंबर्स बच्चों आपको दी गई हैं, इनको क्या करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर आप अच्छी तरह से जानते होंगे, असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जब आप नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हो, सबसे पहले छोटी नंबर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी तरह से जब आप नंबर लिखते हो तो उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें देखना होगा क्या इनके नंबर की डिग्रियां सेम है, तो बच्चों ये स्क्वायर रूट है, ध्यान रखो स्क्वायर रूट अगर सिंबल लगा होता है, जैसे आपने कहा स्क्वायर रूट निकालो फोर का या नाइन का, कोई भी आप नंबर ले लो, सिक्सटीन ले लो, कुछ भी ले लो, चलो नाइन लेते हैं, नाइन का स्क्वायर रूट निकालते हो तो थ्री इंटू थ्री करते हो, और फिर कहते हो एक पेयर बन गया दो का, है ना, तीन का एक पेयर देख रहे हैं कितनी बार बनना चाहिए, दो बार, तो उससे फिर एक तीन बाहर करते हो बच्चों, यहाँ पेयर आप दो नंबर का बनाते हो, तो याद रखना कि जो स्क्वायर रूट होता है उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कहेंगे, तो ये बच्चों ये दो डिग्री का होता है, कितनी डिग्री का होता है, ये दो डिग्री का है बच्चों, इसकी डिग्री रेडिकल है, ये सारे रेडिकल सिंबल्स होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एंथ रूट, जितने भी हैं, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, वो सारे रेडिकल साइन होते हैं। तो बच्चों ये कितनी डिग्री का रेडिकल है, टू डिग्री का, ये कितनी डिग्री का बच्चों, फोर डिग्री का है, ये कितनी डिग्री का है, थ्री डिग्री का, इन सबका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो ध्यान मुझे ये बताना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो मैंने रूट नाइन बताया कि बच्चों स्क्वायर रूट कितनी डिग्री का होता है बच्चों, रेडिकल टू डिग्री का होता है, तभी तो आप इसमें दो दो का पेयर बनाते हो, ऐसे क्यूब रूट कितने का होता है, थ्री का होता है, तभी आप उसमें तीन तीन के पेयर बना के बाहर निकालते हो, ऐसे फोर्थ रूट कितने का होगा, फोर डिग्री का है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें डिग्री वाइज पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं सारी डिग्री को सेम बनाने के लिए क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आप टू फोर थ्री लेना है, कितना आएगा, ट्वेल्व आएगा। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व में आ चुका है कॉन्सेप्ट, वो क्या करेंगे, बिल्कुल वीडियो को पॉज करेंगे और इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर आप देखिएगा वीडियो को ओपन करके कि क्या आपका ऐसा आंसर आ रहा है। तो चलो देखते हैं, टू फोर थ्री का एलसीएम लिया, कितना आया बच्चों, ट्वेल्व आएगा, सभी को ट्वेल्व बनाना है। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, क्यूब रूट लिखा है, वो सॉरी स्क्वायर रूट थ्री लिखा था, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो टू होता है, आप क्या करोगे, इसको जब 12 बना दोगे
तो आपने कितने की मल्टीप्लाई किया होगा बच्चों यहाँ पे, 6 का, तो यहाँ पे 3 की पावर भी लगाना होगा, कितना 6 लगाना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फोर्थ रूट है 5th, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, फोर्थ रूट है उसको बनाना है 12, तो आपने 4 में कितने मल्टीप्लाई किया होगा बेटा, 3 का किया होगा, तो 5 की पावर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 4, उसको जब आप 12 डिग्री का रेडिकल बनाओगे तो कितना करोगे, 3 है, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो 4 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे किया है, तो 4 क्या कर दोगे, 4 पे पावर लगा दोगे, तो 4 तो लिखा था उस पर पावर 4 हो गई। इनको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, क्योंकि आप ऐसे तो बता नहीं पाओगे। 4 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 8 हो गया, और 2 की पावर 8 कितना होता है बच्चों, 256 होता है। ये बच्चों कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, 256 आता है, यानी 2 का मल्टीप्लाई करो, आप पावर्स को भी याद करो, नहीं तो अगर आपको लगे कि हम पूरी पावर नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी पावर आपको याद है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 2 की पावर 5 तक शायद आपको याद हो 32 होता है, तो 2 की पावर जो हमें 4 की पावर 4, अच्छा 4 का 4 बार मल्टीप्लाई भी तो आप कर सकते हो, ऐसे भी कर लो, है ना, 4 4 जा 16 आया, 4 4 जा 16 आया, और 16 into 16 का स्क्वायर 256 होता है, किसी तरह से आप इसको इवैल्यूएट करके जरूर लाएं। और 5 की पावर 3, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, 5 into 5 into 5, 25 into 5, 125, ठीक है ना, तो किसी तरह से ये आ गया 125। अब इन पे रूट भी लगा लो, फोर्थ रूट सॉरी कितना, 12th रूट लगाएंगे, यहाँ भी 12th रूट लगाएंगे आप, ये कितना है बच्चों, और 3 की पावर 6, आप 3 की पावर 4 तो जानते होंगे, 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 81, नहीं तो 3 की पावर 3 जरूर जानते होंगे, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, और हमें पावर कितनी बनानी है, 3 की 6 बनानी है, तो एक और 3 की पावर 3 चाहिए ना, तभी तो बनेगा 6, 3 की पावर 6 क्या होता है, 3 का क्यूब, और पावर कितनी होगी, ऐड होती है ना सेम बेस पे, तो इस तरह से, और ये क्या हो गया 27, तो अब आपको 27 का क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। और नहीं अगर आता ये चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही बच्चों, तो आप क्या करो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 से बन जा 49, 4 कैरी हो गया, 7 को मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो 14 प्लस 4 कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो चीज़ों को मैं करना सिखा रहा हूँ, आप इसको याद करके रखो, ये आप कोशिश करो 10 तक के क्यूब सबके याद कर लो, एटलीस्ट 10 तक के क्यूब, तो अगर आपको 9 का क्यूब याद हो, है ना, या इस तरह से चीज़ें याद हो जाए तो बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे बच्चों, शायद मल्टीप्लाई कर रहा था, तो फिर से एक बार देख लो, चलो 7 का मल्टीप्लाई करना, 7 से बन जाओ 49, 4 आ गया, 7 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे 14 प्लस 4 18 हो गया। अब 2 की बारी आई, 27 इंटू 2 कितना 54 होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 9, 5 और 8 कितना 2 हो गया, 5 और कितना 6 और 1 कैरी 7, तो 729 हो गया बच्चों। आपको मैंने कहा था 9 का क्यूब भी याद करो, तो 9 का क्यूब भी 729 होता है, मैं उसे कैसे दिखाता वो आपको दिखाता है, लेकिन फिर भी अब आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, तो 729 किसी तरह से यहाँ पे लिख ही दो। तो सारा खेल किस में यहाँ पे आ रहा है, कैलकुलेशन का भी आ रहा है, तो आप उसे भी तैयार करें, कितना आया 729 और 12th रूट, आप देख रहे हो क्यूब रूट या 12th रूट के अंदर का सबसे बड़ी नंबर तो बच्चों यही है, सबसे छोटी कौन सी ये है, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखोगे तो क्या आएगा, 12th रूट पहले कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा नंबर, है ना, तो पहले छोटा नंबर क्या लिखोगे, 125 लिखोगे आप, उससे बड़ा 12th रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों, 256 आएगा, फिर उससे बड़ा कौन सा, 12th रूट के अंदर 729 आएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये 12th रूट 125 कहाँ से आया, इससे आया है, तो ये आप पहले लिख दो 4th रूट ऑफ 5, उससे बड़ा 12th रूट ऑफ 256, वो किधर से आया बच्चों, इससे आया, तो क्यूब रूट हो जाएगा आपका 4, नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा, लास्ट में यही बच रहा है, ये इससे आया है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपका बच्चों फाइनली ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना, आप कॉमा लगा के देख सकते हो। इसी में आपसे ये भी कह सकता है कि विच अमंग इज स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो गया 4th रूट ऑफ 5, सबसे बड़ा कौन सा हो गया क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें करने थे आज के वीडियो में, तो आगे हम आएंगे बच्चों, सारे पैटर्न लाएंगे आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है,